मलेशिया के लापता हुए विमान MH370 से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। इसे MH370 का ड्रोन वीडियो कहा गया है। वीडियो में विमान के बेहद करीब कुछ उड़ता नजर आ रहा है। इस पर एक यूजर ने लिखा, प्लेन के इतने करीब उड़ते गोल ऑब्जेक्ट किसी ऑपरेशन का हिस्सा लग रहा है। गोले के चारों तरफ प्लाज्मा क्षेत्र है जो ग्रेविटी की तरह है। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहे इस वीडियो पर टेस्ला के CEO इलॉन मस्क का बयान सामने आया है। मस्क ने कहा कि उन्होंने अब तक एलियन से जुड़ा कोई सबूत नहीं देखा है। अगर उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी तो वे जरूर साझा करेंगे। वीडियो से जुड़े पोस्ट पर कमेंट करते हुए इलॉन मस्क ने कहा, SpaceX के करीब 6000 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में मौजूद हैं। इसके बावजूद हमें अब तक एक बार भी एलियन के करीब से गुजरना नहीं पड़ा है। मलेशियाई एयरलाइंस का लापता विमान MH370 पिछले 10 साल से रहस्य बना हुआ है। विमान को लेकर अक्सर नई थ्योरीज और दावे सामने आते रहते हैं। करीब एक महीने पहले एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई थी कि प्लेन के कैप्टन ने विमान को क्रैश करने की योजना बनाई थी। एक्सपर्ट्स और ब्रिटिश बोइंग 777 के पायलट साइमन हार्डी ने कहा था, फ्लाइट MH370 समुद्र की गहराइयों में है। कैप्टन जहारी अहमद शाह ने इसे क्रैश करने की प्लानिंग की थी। फ्लाइट की प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंट्स में यह साबित होता है।